आज मैं फिर से लेकर आई हूँ बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही खास था पनीर मसाला पूरी। आप इससे आसानी से बना सकते हैं, नहीं इसमें किसी सब्जी की ज़रूरत है, नहीं चटनी की ज़रूरत है। इससे आप किसी भी खास मौके पर आप बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी होती है। फ्रेंड्स, आप इसे लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में या किसी त्यौहार में आसानी से बना सकते हैं या सफर में बना कर ले जा सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पर 200 ग्राम कद्दूकस किया हुआ पनीर हमने यहाँ पर लिया है, जिसे हम कद्दूकस कर लिए हैं पहले से। हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून मिर्ची पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और चिली फ्लेक्स चुटकी भर। यहाँ टेस्ट को और बढ़ाने के लिए चाट मसाला डालेंगे, थोड़े से धनिया पत्ता बारीक कटे हुए, कसूरी मेथी हाथ पर हल्का सा मसल के, इससे टेस्ट और बढ़ जाता है। अब यहाँ पर देसी शुद्ध घी हम 3 चम्मच 4 चम्मच के करीब इसमें डालेंगे, जिससे और ही स्वादिष्ट बन जाता है। आप चाहें तो रिफाइंड भी डाल सकते हैं, इससे कचौड़ी हमारी बहुत ही टेस्टी और खास्ता बनी रहती है। फ्रेंड्स, अब इस सब को अच्छे से हम हल्के हाथों सबको मिलाएंगे कि अच्छे से जितना भी इसमें मसाला हम ऐड किए हैं सब अच्छे से एक दूसरे में मिल जाए। ये कचौड़ी इतनी टेस्टी होती है कि आपको पूरी कचौड़ी दोनों का टेस्ट इसमें मिलता है और बहुत ही टेस्टी लगती है। अच्छे से मिलाने के बाद तब इसमें हम आटा ऐड करेंगे। आटा यहाँ पे हमने 250-300 ग्राम के करीब लिया है, 200 ग्राम पनीर में 250 ग्राम के करीब आटा। इसे अच्छे से मिलाएंगे और मिला के हल्के हल्के पानी डाल के इसे गूथेंगे। ज़्यादा पानी एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो आटा मेरा अच्छे से तैयार नहीं होगा और गीला हो जाएगा। झटपट में और बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली ये कचौड़ी है, ना ही इससे भरने का झंझट है, ना ही इसे फटने का डर है, ना ही सब्जी बनाने का और ना ही विशेष किसी चीज़ की इसमें ज़रूरत होती है। जितना ही बनाना आसान है उतना ही टेस्टी। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अभी इसे 10 मिनट के लिए हम यहाँ पे ढक के रख देंगे। तब तक मैं यहाँ चटनी की तैयार कर लेती हूँ, जिसके लिए हमने एक बड़े से टमाटर लिए हैं, उसे बारीक काट कर मिक्सर ग्राइंडर में रख दिए। 2 मिर्ची, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और कुछ लहसुन की कलियाँ, यहाँ पे पिकल जूस, अचार के थोड़ा सा मसाला इसमें ऐड करके यहाँ पे हम चटनी तैयार कर लिए। चटनी बनके रेडी है। इसमें थोड़ी सी ऊपर से बूंदी डालेंगे, है तो डालें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं इसे। अब यहाँ पे एक बूंदी का रायता हम बना रहे हैं, जिसमें हल्के से काला नमक चुटकी भर डाल के और दही इसमें ऐड करके इस सबको अच्छे से मिला देंगे। यहाँ पे बूंदी का रायता भी हमारा तैयार है। बारीक कटे हुए प्याज टोमेटो वाले चटनी में डालें, ऊपर से बारीक कटे हुए धनिया पत्ती और थोड़े से धनिया पत्ती बूंदी वाला रायता में डाल के तैयार करें। देखिए मेरा चटनी और रायता दोनों तैयार हो गया। यहाँ कढ़ाई गर्म हो चुका है, गैस फ्लेम ऑन है। अब यहाँ पे हम कचौड़ी तलने के लिए तैयारी करें। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो हाई और मीडियम के बीच में हमें फ्लेम को रखना है, नहीं ज़्यादा हाई रखना है ना लो रखना है। जब हम दोनों के बीच में रखेंगे तब अच्छा खास्ता फूली फूली हमारी पूरी तैयार होगी। यहाँ सारे को एक साथ हमने लोई तैयार कर लिया है। अब सब पूरी को एक साथ बेल के इकट्ठे रख लें। जब हम अकेले किचन में होते हैं तो हमें ज़्यादा हेल्प मिलती है जब हम एक साथ कचौड़ी को बेल के तैयार कर लें। जब 2 आदमी से होते हैं किचन में तो काफ़ी हेल्प हो जाती है। एक आदमी कचौड़ी बेलने की तैयारी करता है, दूसरे इसे फ्राई करते जाता है, तो काम बहुत ज़्यादा आसान होती है और जल्दी जल्दी हमारी कचौड़ी तल के निकलते जाती है। इसे अलट पलट के अच्छे से तल लेंगे। एक साथ 3-4 कचौड़ी डालें और फटाफट फ्राई करके इसे तल के निकालते जाए। देखिए कितनी अच्छी बन के कचौड़ी तैयार, एकदम फूली फूली गुब्बारे की तरह। अब सेम तरीके से सारे कचौड़ी को ऐसे तल तो लीजिए, तैयार है खास्ता चटपटा कचौड़ी मसाला पूरी। इससे बनाएं, इंजॉय करें। फ्रेंड्स, आगे भी ऐसी रेसिपी चाहते हैं। हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।